ये लेकिन धामी जी, हमारे देश में चुनाव हर वक्त होते रहते हैं और विपक्ष हमेशा अपनी राइफल तैनात करके रखता है, एकदम ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं। तो विपक्ष ने शुरू कर दिया, कैमरा बुलाओ, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट था, कैमरा बुलाओ तो प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि अब चुनाव का काम खत्म हो गया है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, और राहुल गांधी जी ने कहा कि क्रिकेट मैच में जाने का समय है प्रधानमंत्री को, लेकिन उत्तरकाशी जाने का समय नहीं है। ये तमाम चीजें जब विपक्ष ने कहा, इस पर आपका अपना क्या विचार है और आप विपक्ष को आज क्या कहेंगे? देखिए, मैं विपक्ष से यही कहना चाहूँगा कि पहले भी लोगों के समय में आपदाएं आती थी तो किस प्रकार से लोग वहाँ पर समय देते थे, किस प्रकार से उस समय के प्रधानमंत्री काम करते थे, ये भी लोगों ने देखा। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का चिंता करना, प्रत्येक दिन चिंता करना, और मैं सच बताऊँ तो एक माता पिता जैसे अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार के उन्होंने चिंता करी है। आज पूरा देश उनके नेतृत्व में सुरक्षित है, और पूरे देश की और दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पहुँची है। वो क्यों पहुँची? क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है, दूरदर्शी नेतृत्व है, इस सबको स्पर्श करने वाला नेतृत्व है, पूरे देश की परिवार की तरह चिंता करने वाला नेतृत्व है। इसके कारण से ही ये कठिन अभियान हमारा सफल हो पाया है। विपक्ष को तो चूंकि केवल कुछ कहना है इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार के प्रयास हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी कैमरा जीवी हैं, और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री शायद स्वयं वहां पहुंचेंगे जब श्रमवीरों के बाहर आने का समय होगा। क्या कभी ऐसा कोई प्लान था? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कहना था शुरू से, और कि किसी भी प्रकार से वहाँ पर काम करने वाले लोगों को किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मूवमेंट जितना कम से कम हो उतना होना चाहिए। और मैं भी ये सोच के कम से कम अंदर जाने की कोशिश करता था कि मेरे जाने से भी कोई दुविधा नहीं हो। बाद में मैंने ये कहा कि कोई यहाँ पर प्रोटोकॉल जैसी स्थिति नहीं होगी, तब जाके मैं वहाँ रोज जाता था, रोज समीक्षा अलग से करता था। वहाँ के काम को किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब करने जैसी कोई योजना नहीं थी। हाँ, प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो जो है एकदम बारीकी से इस अभियान की जानकारी नहीं लेते हों। उन मजदूर भाइयों के स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, उनकी दवाइयों के बारे में, उनका ऑक्सीजन, भोजन, और टेक्नोलॉजी ने कितना काम किया है, पाइप कहाँ तक पहुँचा है, ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की क्या स्थिति है, वो सारी की सारी जानकारियाँ लेते थे। और उनके परिजनों का क्या इंतजाम किया गया है, परिजन कहाँ हैं, कहाँ रुके हैं, उनकी कैसी स्थिति है, उनसे बात हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी बात वो रोज पूछते थे। कहें, मैं नाविका जी, मैं भी इतने सालों से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपने छात्र जीवन से काम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं सुना है कि 17 दिन तक रेस्क्यू चला हो और 17 दिन तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ हो कि प्रधानमंत्री जी ने जो है उस पर बात नहीं की हो। कांग्रेस के लोगों को ये दिखाई नहीं देता है कि जो आज पूरे देश की जो ये दशा है, पूरा देश जिस प्रकार से आज सशक्त हुआ है, जिस प्रकार से देश आज सुरक्षित हाथों में है, आज 4 धाम जाने वाले लोगों को जिस प्रकार से सुविधाएं मिली हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है।